हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मंचूरियन की बहुत ही आसान सी रेसिपी, तो देख लेते हैं रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ वेज मंचूरियन और उसके लिए मैंने ये पत्ता गोभी ली है। तो ये मीडियम साइज़ की पत्ता गोभी है और इसको हम कट कर लेंगे बहुत ही बारीक। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही कट करके रखा हुआ है इस तरीके से, और इसको डालेंगे एक बड़े बर्तन में। तो यहाँ पर मैं इस बड़े बर्तन में इस गोभी को डाल देती हूँ, और उसके बाद इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच नमक का। यहाँ पर एक छोटा चम्मच नमक इसमें मैं डाल दे रही हूँ। और नमक डालने के बाद इस गोभी को हम अच्छे से मिला देंगे। तो ये मैंने मिला दिया है अच्छे से, और इसको हम रख देंगे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे कि इसमें से जो पानी होगा वो नमक डालने की वजह से निकल जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा पानी पत्ते गोभी में से। और उसके बाद ये हमारी जो पत्ते गोभी है थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो मैं इसे ढक के रख देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं गोभी को रखे हुए, और ये देखिए इस तरीके से ये काफ़ी गल सी गई है। तो अब इसका पानी हम अलग करेंगे निचोड़ कर। तो इस तरीके से इसे निचोड़ लेना है, तो इस तरीके से दबाते हुए हम निचोड़ लेंगे। और ये जो ये गोभी रह जाएगी इसको हम अलग बोल में रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे दूसरे बोल में रख ले रही हूँ। ऐसा करने से मंचूरियन बॉल हमारे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो मैं सभी को इसी तरीके से करके तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने पूरी गोभी का पानी बहुत अच्छे से निकाल दिया है, और अब इसमें हम डालते हैं बाकी सारी चीज़ें। तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप के करीब बारीक कटा हुआ प्याज, साथ में डालेंगे आधा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, हरी मिर्च डालेंगे स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्च स्वाद के अनुसार डाल लेंगे। हरी मिर्च डालने के बाद इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो नमक हमने पहले भी डाला हुआ है गोभी में, तो नमक हम ध्यान से ही डालेंगे। तो यहाँ पर आधा छोटा चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, और साथ में डाल लेंगे एक चौथाई कप मैदा, और एक चौथाई कप इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर बराबर डाल लेनी है। तो यहाँ पर मैं एक चौथाई कप कॉर्नफ्लोर भी डाल देती हूँ। और अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। तो मैं सबको मिला लेती हूँ अच्छे से, और बिना पानी डाले मिलाना है, पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है, और धीरे धीरे देखिए बाइंडिंग के फॉर्म में भी आ रहा है। मैंने पत्ते गोभी में से काफ़ी सारा पानी निकाल दिया है, उसके बावजूद इसमें काफ़ी पानी अभी भी है, जिससे कि इसमें हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लिया है। और अगर आपका मिक्सचर ये गीला हो जाता है तो इसमें बराबर बराबर क्वांटिटी में कॉर्नफ्लोर और मैदा मिलाकर इसे ठीक कर सकते हैं। और अब लगाएंगे हाथों पे थोड़ा सा तेल, और इस मिक्सचर के हम बनाएंगे छोटे छोटे बॉल। तो इस तरीके से ये मिक्सचर लेके इसके हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। तो जिस भी साइज के आप बॉल रखना चाहते हैं उस साइज के बना सकते हैं। तो इस तरीके से मंचूरियन बॉल बना लेने के बाद अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। और फ्राई करने के लिए गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है जिसमें मैंने तेल डाल दिया है, और मीडियम गर्म कर लेना है हमें तेल को। और तेल हमारा मीडियम गरम हो गया है, और एक एक करके जो हमने मंचूरियन बॉल बना के रखे हुए हैं वो हम तेल में डाल देंगे। तो ये एक डाल देंगे इस तरीके से, तो जितने भी एक बार में आ जाए उतने बॉल हम इसमें डाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने 7 मंचूरियन बॉल डाल लिए हैं, और बाकी बचे हुए बिल्कुल ऐसे ही बना के फ्राई कर लेंगे, और इन्हें हम पलट लेंगे। तो चारों तरफ से अच्छा इन्हें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। और यहाँ पर हमारे ये मंचूरियन बॉल बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये देखिए। तो बस इतना ही फ्राई करना है इसे, और इसे निकाल लेती हूँ मैं।
तो इस तरीके से फ्राई करके हमें तैयार कर लेने हैं। और बचे हुए मंचूरियन बॉल भी ऐसे ही फ्राई करेंगे, तो मैं बचे हुए भी फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने सभी मंचूरियन बॉल फ्राई करके तैयार कर लिए हैं, तो इस तरीके से इन्हें फ्राई करके तैयार कर लेना है। और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। मंचूरियन बॉल फ्राई करने के बाद अब हम सॉस बना लेते हैं। उसके लिए मैंने आधा चम्मच के करीब यहाँ पर बारीक कट करके लहसुन लिया है, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके लिया है, और 4 से 5 हरी मिर्च है, मैंने इसे लंबा लंबा इस तरीके से काट लिया है। और हमें केवल आधा मिनट तक ही हमें इन सभी चीज़ों को भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च और प्याज। अदरक लहसुन और हरी मिर्च फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च और प्याज। तो आधा कप शिमला मिर्च और आधा कप ही प्याज है, और दोनों को हम केवल आधा सेकंड तक ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो जो इसकी क्रंचीनेस है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, और हमें इसका क्रंचीनेस ख़त्म बिल्कुल नहीं करना है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉस, तो 4 टेबल स्पून के करीब डालेंगे इसमें टमाटो सॉस। तो यहाँ पर मैं ये टमाटो सॉस डाल दे रही हूँ। साथ में डालेंगे रेड चिली सॉस, अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस है तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, तो 1 चम्मच के करीब सोया सॉस है। 1 चम्मच ही इसमें डाल लेंगे विनेगर, तो वाइट विनेगर लिया है मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे कि बहुत ही अच्छा कलर आएगा हमारे मंचूरियन में। 1/4 चम्मच है काली मिर्च का पाउडर, और साथ में यहाँ पर हम नमक डाल लेंगे और मिला लेंगे सभी चीज़ों को अच्छे से। तो नमक हमें ध्यान से डालना है, क्योंकि हमने मंचूरियन बॉल्स में भी नमक डाले हुए हैं, और केवल 1 मिनट तक ही हमें सॉस को भूनना है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मंचूरियन बॉल जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। और इस स्टेज पर हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ करके हमें मंचूरियन बॉल को ग्रेवी के साथ अच्छे से भून लेना है, तो केवल 1 या 1.5 मिनट हम इसे भून लेंगे। मंचूरियन बॉल पर सॉस की अच्छी सी कोटिंग कर लेनी है, तो बहुत अच्छे से इसे हमें मिलाना है। और इसके बाद हमारे ये मंचूरियन बॉल बनके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे मंचूरियन बॉल बिल्कुल बनके तैयार हैं, और बहुत ही बढ़िया सा कलर आया है इनके ऊपर, तो इन्हें आप सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो इस तरीके से मंचूरियन बॉल ज़रूर ट्राई कीजिए, सभी को बहुत ही पसंद आएंगे, और बनाने में भी आसान है, और ये बॉल बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही टेस्टी है ये खाने में। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।